दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 15 अक्टूबर 2022 को मिथुन राशि में मंगल का प्रवेश होगा। मंगल जो कि अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं, ये मिथुन राशि जो कि वायु तत्व प्रधान राशि है, वायु तत्व की राशि में मंगल अग्नि तत्व के ग्रह का प्रवेश बेहद भीषणता देता है। ये किसी से भी छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे देखें कि कहीं अग्नि जल रही है और वो अग्नि जलने में अगर कहीं आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, हवा चल जाए, तो उसकी लौ बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर कोई बड़ी जगह पर अग्नि जल रही है और बहुत बुरी तरह तेज तूफान आ जाए तो वो अग्नि बढ़ जाती है, फैल जाती है। अब ये अग्नि आपके व्यापार में तरक्की ला सकती है, आपके व्यापार के ओझ को बढ़ा सकती है या आपके जीवन में आग लगा सकती है। किसी भी प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन हम जानेंगे कि आखिर ये मंगल राशि परिवर्तन आपकी राशि के लिए क्या कुछ करने वाला है। मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों का राशिफल जानेंगे। उससे पूर्व हम आपको कुछ बातें बता दें मंगल के बारे में। मंगल जो कि सेना का अधिपति है, मंगल जो कि आपके पराक्रम शौर्य का कारक है, मंगल आपके मेहनत का फल, मेहनत परिश्रम इनका कारक है, मंगल आपके छोटे भाई बहनों का कारक है, पुरुषार्थ का कारक है, मंगल आपके बॉस का भी कारक है, मंगल कंट्रोवर्सी का कारक है, मंगल रिश्तों की मजबूती है, बहुत कुछ है मंगल। भूमि पुत्र मंगल तो ये आपके लिए भूमि लाभ भी कराते हैं, भूमि में भूमि के भी कारक होते हैं, प्रॉपर्टी के भी कारक होते हैं, राजनीति के कारक भी होते हैं और आपके नेतृत्व क्षमता के भी कारक होते हैं। मंगल की स्थिति को जानेंगे कि मंगल जो कि मिथुन राशि में शत्रु राशिस्थ मंगल किस प्रकार की स्थिति आपके लिए निर्मित करने वाले हैं, आइए जानते हैं। और एक जानकारी और, क्योंकि ये मंगल जो है अति गतिचारी अवस्था में आगे बढ़ रहे हैं तो ये पुनः वृषभ में वापसी करेंगे, क्योंकि ये 30 अक्टूबर 2022 को वक्री हो जाएंगे मिथुन राशि में। उसके बाद में इनकी वापसी 13 नवंबर 2022 को वृषभ में फिर से हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि 15 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर 2022 तक ये समय आपके लिए मंगल कैसा दिखाता है। राशिफल को आगे बढ़ाएं उससे पूर्व आपको एक जानकारी और दे दें कि अगर आप इस राशिफल को सटीक जानना चाहते हैं, अपने ऊपर सटीक पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इसे चंद्र राशि के अनुसार देखें। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख पर सुन सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों, मंगल की इस स्थिति में आपके लिए तृतीयस्थ मंगल, द्वितीय से निकल के तृतीय में जाएंगे तो तृतीयस्थ मंगल आपके लिए सबसे पहला जो प्रभाव छोड़ेंगे वो है आपकी मेहनत का फल। मेहनत अगर नहीं कर पा रहे थे बहुत दिनों से, आलस्य आ रहा था, तो आलस्य दूर होगा और एक तरफ से काम पर जुट जाएंगे, मेहनत करेंगे। अगर बीते दिनों में कोई काम किया था उसका आपका फल रुका हुआ था, यानी कि मेहनत का फल रुका हुआ था, सैलरी रुकी हुई थी या किसी प्रकार से कोई प्रोजेक्ट पे अड़चन आ गई थी, किसी प्रकार से कोई दिक्कत आ रही थी, तो वो काम अब पूरे होंगे, उसमें आप आगे बढ़ेंगे। आपके पार्टनर के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा और सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपके पार्टनर जिन्होंने आपको छोड़ दिया था या प्रॉमिस तोड़ दिया था वो आपकी लाइफ में वापस भी आ सकते हैं। ये तो अच्छी बातें हो गई। यहाँ पर जो बुरी स्थिति है मंगल की वजह से वो आपके शत्रुओं की कहीं ना कहीं स्थिति को बढ़ा देते हैं। शत्रु बहुत ज़्यादा अग्रसर हो जाएंगे, बहुत उग्र हो जाएंगे और एक दिक्कत ये रहेगी आपके साथ में कि आपके बॉस ही आपके शत्रु बन जाएंगे, आपसे चिढ़ने वाले, आपसे जलने वाले लोग बहुत हो जाएंगे। तो अगर आप बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, अगर कोई पद प्रतिष्ठा आपके पास में है, नाम है, अपना सम्मान है, तो आपके नाम सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की लोग कोशिश करेंगे, आपके प्रति षड्यंत्र कर सकते हैं, किसी कंट्रोवर्सी में भी आप फंस सकते हैं। कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा होगी और इसकी कोई
कहीं ना कहीं लिमिट नहीं होगी। हो सकता है कि आपने कल्पना भी नहीं की हो कि मैं एक ऐसे क्षेत्र में हूं जहां कंट्रोवर्सी हो ही नहीं सकती है। मान लीजिए अगर आप ऐसे क्षेत्र में हैं, साधु संन्यासी, वहां पर कंट्रोवर्सी नहीं हो सकती, आप ऐसा सोच रहे हैं, तो धार्मिक संस्थानों में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी की स्थिति बन रही है। जो अगर आप धार्मिक कार्यों में कार्यरत हैं, कथावाचक हैं, संत हैं, महात्मा हैं, निस्वार्थ किसी संस्था को चला रहे हैं, तो वो संस्था भी कंट्रोवर्सी में पड़ सकती है। तो ये स्थिति है। और मैरिड लाइफ वालों के लिए जरूर कहेंगे कि अपने पार्टनर के साथ में बहुत अच्छे संबंध बनाकर रखें, क्योंकि आपके फैमिली की वजह से ही वो संबंध खराब हो सकते हैं मैरिड लाइफ वालों के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, आपके लिए मंगल का यह परिवर्तन बहुत ज़्यादा लाभ देगा, आपके व्यापार में लाभ देगा, आपको तरक्की देगा, लेकिन आपको वाणी पर नियंत्रण जरूर रखना चाहिए, क्योंकि आपकी वाणी बहुत ज़्यादा कड़वी हो जाएगी। आप हर बात में बहुत ईगो, बस कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसमें घमंड झलकेगा, आपका व्यवहार लोगों को पसंद नहीं आएगा। भले ही आप कितना अच्छा भी व्यवहार करें, फिर भी लोग आपको हो सकता है कि बिना बात के ही कुछ ऐसा कह दें कि आपका व्यवहार सही नहीं है। आपके लिए यहां पर देखा जाए तो मंगल की स्थिति आपकी लव लाइफ में आग लगाने का काम कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ आपके बिहेवियर की वजह से, या अकारण झगड़े हो सकते हैं, मतभेद बहुत ज्यादा होंगे और पार्टनर आपके ऊपर शक बहुत करेगा। सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए लाभप्रद रहेगा ये मंगल जो CID, CBI इत्यादि कोई भी इन्वेस्टिगेशन इत्यादि कर रहे हैं, या कोई ऐसी एजेंसी में है और डिफेंस से संबंधित अगर आप काम करते हैं, तो वहां पर आपको ये लाभ मिला लाभ दे सकती है। यह गोचर की स्थिति बहुत लाभ आपको दे सकती है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आपके अंदर घमंड ईगो बढ़ जाएगा, इस वजह से रिश्ते आपके थोड़े गड़बड़ा सकते हैं, रिश्तों में थोड़ा सा आपको झुकना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप नहीं झुकेंगे तो आपके लव लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। अगर आप किसी के लिए बहुत पहले इमोशनल थे और अब अकड़ दिखाएंगे तो झगड़े बढ़ जाएंगे। मैरिड लाइफ में सबसे ज़्यादा परेशानी आएगी, तलाक तक की भी नौबत आ सकती है। धन लाभ आपको हो सकता है और पार्टनरशिप के व्यापार में आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, जिस वजह से आप एक दूसरे के पार्टनरशिप में व्यापार जो कर रहे हैं वो एक दूसरे के झगड़े बहुत ज़्यादा एक दूसरे के विरोधी और झगड़ा करने लगें, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मतभेद हो जाएं, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। मंगल की वजह से आपको अचानक से कोई बड़ा एक तरह से नेतृत्व मिल सकता है, या कोई बड़ा दायित्व मिल सकता है, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको सबसे ज़्यादा सतर्क रहना है तो मैरिड लाइफ में, और अपने ईगो घमंड पर कंट्रोल करना होगा, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, आपके लिए इस मंगल की स्थिति से विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लव लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से झगड़े बढ़ जाएंगे, मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से डाइवोर्स लेने के लिए पार्टनर बार बार कहेंगे। विदेश यात्रा से आपको लाभ हो सकता है। इस गोचर में शत्रु बाधा बहुत परेशान करेगी, कोर्ट कचहरी से बहुत परेशान हो सकते हैं, और आपके शेयर मार्केट में भी नुकसान के लिए आप खुद जिम्मेदार हो सकते हैं। कई गलत निर्णय जल्दबाजी में आप ले सकते हैं, इस वजह से भी आपको नुकसान हो सकते हैं। मैरिड लाइफ में भी सावधान रहना है, थर्ड पार्टी से झगड़े, थर्ड पार्टी की स्थिति बहुत बुरी तरह से बन सकती है। मंगल की इस स्थिति में आपको मेहनत जो आप कर रहे होंगे, जो परिश्रम कर रहे होंगे, उसका फल जो है वो जरूर मिलेगा, और इस बार आप जो मेहनत करेंगे उसका 4 गुना फल भी आपको मिल सकता है, ये स्थिति है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो मंगल की इस स्थिति में आप बहुत ज़्यादा धन लाभ कर सकते हैं अपने व्यापार में। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आप चुनाव इत्यादि लड़ते हैं तो चुनाव जीत सकते हैं। आप अगर किसी प्रकार से कोई प्रॉपर्टी इत्यादि सेल करना चाहते हैं तो वो हो जाएगी,
और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में धन लाभ भी आपको मिल पाएगा। मंगल की इस स्थिति में सबसे ज्यादा उन लोगों को लाभ होगा जो किसी प्रकार से दूसरे व्यक्तियों का फायदा करके खुद प्रॉफिट जनरेट करते हैं, किसी दूसरे का काम लेते हैं, चाहे वो ठेकेदारी का काम हो, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, और किसी प्रकार से अगर कोई प्रोजेक्ट इत्यादि आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट आपके लिए काफी सक्सेसफुल होने वाला है। आपके लिए मंगल की स्थिति में बस आपको लव लाइफ में ध्यान देना है। लव लाइफ में आपके पार्टनर जो हैं वो आपका ईगो बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो थोड़ा अपने ईगो पर कंट्रोल रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, आपके लिए यह मंगल आपके लव लाइफ को बेहतर बनाएगा और बहुत कुछ आपको प्राप्त कराएगा। अभी तक जो झगड़े चल रहे थे, जो मतभेद हो रहे थे, गलतफहमियां बन रही थी, वो दूर होंगी। मंगल की इस स्थिति में सबसे ज्यादा उन लोगों को लाभ होगा जो अपने खुद का कार्य करते हैं, जो अपना व्यापार करते हैं, जो खुद के मालिक हैं, उनको लाभ होगा। और जो किसी बॉस के अंडर में काम करते हैं, भले ही वो कितने भी उच्च पद पे हों, सक्सेसफुल हों, आपके नेता अभिनेता इनके साथ में झगड़े होंगे। अगर आप अभिनेता हैं, किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के दुश्मन बन जाएंगे, उनके विरोधी बन जाएंगे। अगर आप नेता हैं तो वहां पर भी आपके सहपाठी, आपके बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र भी आपके लिए शत्रु बाधा उत्पन्न करना चाहेंगे। अगर आप किसी प्रकार से सिविल सेवा में हैं या बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं तो वहां पर भी आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। किसी से भी उलझने से पहले 100 बार सोच लें, इस चीज का ध्यान रखें। इस मंगल की स्थिति से आपकी मैरिड लाइफ में तूफान जरूर मचेगा, तो रिश्तों को बहुत संभाल के रखिएगा। रिश्तों में आप बहुत कुछ खो देंगे अपनी कुछ भूल की वजह से, कुछ गलतियों की वजह से। ये स्थिति है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो बहुत ही खास आपको व्यक्ति मिल सकता है। इस गोचर काल में आपको धन लाभ अधिक होगा, प्रमोशन हो सकता है और आपकी तरक्की एकदम से बढ़ेगी। आपको आश्चर्य होगा ये क्या हो गया। अगर किसी प्रकार से कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपकी किस्मत डिपेंड करती है, कि वो आप मेहनत अपनी 100% कर रहे थे, बहुत समय से कर रहे थे, अगर आपको बस किस्मत की चाह थी कि बस किस्मत साथ दे जाए, तो समझ लीजिए किस्मत साथ दे गई। और आप अगर किस्मत के भरोसे थे तो बाकी आप मेहनत पूरी कर रहे थे, बस किस्मत से काम बिगड़ रहे थे, तो बहुत लाभ होने वाला है। आपको आश्चर्य होगा कि इतना लाभ, बहुत खुश हो जाएंगे और बहुत बड़ा खुशी का अवसर इस गोचर में आपको मिलेगा। आपको अपनी मैरिड लाइफ में ससुराल पक्ष वालों से बहुत ही अदब से पेश आना, इस चीज का ध्यान रखना है। और आपके लिए सबसे ज्यादा इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि आप जो जिम्मेदारी लेते हैं उससे अच्छे से निभाएं, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत मिलने वाली हैं इस गोचर काल में। यह स्थिति है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो ये गोचर साफ तौर पर दर्शा रहा है कि आपके लिए आश्चर्यजनक घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं, जो आपकी लाइफ को बदल देंगी, जो आपके करियर को बहुत ही ऊंचा कर देंगी। आपको धन लाभ भी अधिक मात्रा में होगा और आप ऐसे तरीके से अपने आप अपने जीवन को बदलते हुए देखेंगे जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेंगी, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे। किसी प्रकार से अगर कोई जिम्मेदारी लेते हैं तो बहुत ही सक्सेसफुल उसे पूरा करेंगे। और आपको विदेश यात्रा से बहुत लाभ होगा, विदेश सेटलमेंट हो सकता है। किसी प्रकार से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं, खुद का काम करते हैं, तो वहां पर भी आपको लाभ देखने को मिल सकता है। धन लाभ अधिक मात्रा में होगा, प्रत्येक चीज में लाभ होगा। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर अपने से बड़े अधिकारियों के साथ उलझेंगे तो बहुत ही बुरी तरह से फंस जाएंगे। ये स्थिति है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो आपके एक्स पार्टनर वापस आ सकते हैं।
शादी की बात जिससे चली थी और कैंसिल हो गई थी वो फिर से वापस आ सकता है। मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन यहाँ पर आप सब चीज़ें हैंडल कर लेंगे। आपके पार्टनर आपको बहुत प्रेम करेंगे और सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए कार्य क्षेत्र की स्थितियाँ बेहतर होने वाली हैं। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन से हैं तो आपके लिए, या कोई बिजनेस में रेस्टोरेंट इत्यादि चलाते हैं या हाउस वाइफ हैं, तो आपके लिए स्थितियां बहुत ठीक रहेंगी। आपकी मन को शांति मिलेगी और अधिक मात्रा में आपको लाभ भी होने वाला है। ये स्थिति है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो इस मंगल ने आपकी जिंदगी पूरी तरह से बिगाड़ दी है। ये समझ लीजिए कि आपके लिए उथल पुथल मचा देगा ये मंगल। शत्रु बाधा, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, लव लाइफ में बहुत ज़्यादा पार्टनर का रूखापन, चिड़चिड़ापन और आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत तरह से खराब हो सकती है। कोर्ट कचहरी तक की नौबत आ सकती है। कोर्ट कचहरी में अगर हैं तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर आप विदेश में हैं या जन्म स्थान से काफ़ी दूर हैं तो आपके लिए इतना ज़्यादा बुरा नहीं होगा, काफ़ी चीज़ें ठीक भी रहेंगी। खास करके विद्यार्थियों के लिए समय काफी कठिनाई भरा रहेगा। विद्या अध्ययन में रुचि आपकी घटेगी और बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत होगी। कुछ एग्जाम ऐसे होंगे, कुछ ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इंटरव्यू इत्यादि अगर होता है तो वहां पर आपके केवल और केवल बिहेवियर से आपको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। अपने बिहेवियर पे आपको काम करना होगा। ये स्थिति है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, अगर देखा जाए आपके लिए मंगल लाभ कराने वाला है। विद्यार्थियों के लिए सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। विद्या अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। आपके बच्चों का भविष्य बहुत उज्ज्वल होगा। आपके बच्चों की वजह से आपका बहुत लाभ होने वाला है। आपको धन लाभ भी अधिक मात्रा में होगा और विदेश से भी आपको धन लाभ हो सकता है। कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी प्रकार से कोई केस हैंडल कर रहे हैं और कोई ऑफिसर इत्यादि हैं, तो आपको वहां पर बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। बहुत अच्छा कोई सम्मान आपको प्राप्त होगा। किसी से पुरस्कृत भी किए जा सकते हैं आप। मंगल के इस गोचर में सबसे ज्यादा ध्यान इस चीज का देना है कि किसी से भी बहस नहीं करनी है। लव लाइफ में बहस बहुत होगी, इस चीज पे कंट्रोल कीजिएगा। बाकी स्थितियां काफी ठीक हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो मंगल का यह गोचर आपके लिए लाभप्रद रहेगा। आपको खास करके धन की जो कमी है उसे पूरा करने वाले मंगल रहेंगे। आपकी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम अगर चल रहा है, प्रोजेक्ट इत्यादि कोई लिया है, तो उसमें आपको लाभ होगा और आपको कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। आपको राजनीति के क्षेत्र में बहुत उच्च सफलता ये मंगल दिला सकता है और आपके बिजनेस व्यापार को भी बढ़ाने के काम करेगा। लेकिन आपकी लव लाइफ में आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को मार देगा, जिससे आप भी परेशान हो जाएंगे कि अब आपके पार्टनर के प्रति आपकी फीलिंग्स क्यों नहीं जाग रही हैं। इस वजह से आप दोनों के झगड़े हो सकते हैं। अगर शादी इत्यादि फिक्स हो गई थी, लव मैरिज करना चाहते थे, तो अचानक से टूट भी सकती है। ये स्थिति है दोस्तों। यह था मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।